हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा अबाउट एवरीथिंग, बेसिकली कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद रिटन, ओरल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। आज हम लोग देखेंगे मास मीडिया एंड सोसाइटी। ओके, तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है जो है मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो जैसे हमने देखा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, तो हम लोग ये जो मास कम्युनिकेशन है ये आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो पहले देखते हैं मास कम्युनिकेशन होता क्या है। मास मतलब बहुत सारे लोग। ओके, जब हम लोग एक ऑडियंस, जब हम ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं जहाँ पे लॉट ऑफ पीपल आर देयर, ओके, अ लॉट, द नंबर ऑफ पीपल इज़ नॉट लाइक अ ग्रुप बट अ लॉट ऑफ पीपल, तब हम लोग उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ओके, तो मास कम्युनिकेशन जैसे हम लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मीडिया इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आर सोसाइटी एंड इट एक्सप्लेन्स अबाउट वॉट एंड हाउ सोसाइटी वर्क्स। मीडिया, ऑब्वियसली जब हम लोग मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मीडिया की बात आएगी ही। मीडिया मतलब जो जर्नलिस्ट है, सोशल मीडियाज़ है, फिल्म्स है, सीरियल्स है, सीरीज़ है, रेडियो, एडवर्टाइजमेंट्स है, बुक्स, मैगजीन्स, फोटोग्राफी है, तो ये जो सब आते हैं वो आते हैं मीडिया में, राइट? तो उससे क्या होता है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। मीडिया इधर इट इज़ प्रिंटेड, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे प्रिंटेड, जैसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे मैगजीन्स प्रिंटेड होती है, बुक्स प्रिंटेड होते हैं, न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड होते हैं, जर्नल्स प्रिंटेड होते हैं, राइट? सो इट कैन बी प्रिंटेड और द वेब। वेब मीन्स हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया, टेलीविज़न हो गया, उसमें हमारा इंस्टाग्राम हो गया, उसमें हमारा YouTube हो गया, दिस ऑल थिंग्स, ओके, इज़ द ओनली मीडियम विच हेल्प्स इन मेकिंग पीपल इंफॉर्म्ड। तो इससे क्या होता है, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन किस चीज़ की? इंफॉर्मेशन हर एक चीज़ की, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस हर एक चीज़ की हमें उस चीज़ में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इट एंटरटेन्स द पब्लिक, एजुकेट एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ डे टू डे हैपनिंग। तो जो रेगुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरटेनमेंट, राइट? तो हम लोग जब बॉलीवुड, हॉलीवुड की बात करते हैं या फिर इंस्टा पे रील्स, ये वो, ये जो सब चीज़ें हैं, इससे क्या होता है दैट वी आर गेटिंग एंटरटेनमेंट, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट मास मीडिया, इट्स नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, नॉट मास मीडिया, आई कैन जस्ट से मीडिया हियर, इट्स नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट पब्लिक को अवेयर करने की बात आ जाती है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, एजुकेट करने की, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, राइट? आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ये एजुकेशन पर्पस के लिए, सो मीडिया इसके लिए, मीडिया इसको कह सकते हैं। सो जो वर्ड है मीडिया, ये वर्ड मीडिया, इसकी लैटिन ओरिजिन है, ओके, इसका लैटिन वर्ड है मीडियम। मीडियम मतलब मिडिल ग्राउंड, इंटरमीडिएट, जो किसी के बीच में है, जहाँ पे कम्युनिकेट फिनिश होती है, जो मीडियम है उसका, राइट? इसकी वजह से इसका नाम मीडिया आ गया है, करेक्ट? तो बेसिकली मीडिया हियर, जब हम लोग मास मीडिया की बात करते हैं तो हम लोग वो बात कर रहे हैं कि जैसे टेक्निकल टर्म्स में हम लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, और टेक्निकल टर्म में हम लोग कहते हैं कि टेलीविज़न, ओके, तो ये सब मीडिया में इंक्लूड होते हैं। देर आर डिफरेंट मीडिया इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मास मीडिया, बहुत सारी मीडियाज़ है, ठीक है, और इनके ऊपर इतना पावर है कि वो इट गिव्स अ जॉब ऑफ सर्वेलेंस, मतलब लोगों को देखना, उनको जानना, सच्चाई नॉर्मली 100% सच्चाई का पता लगाना, ये मास मीडिया के काम है, राइट? ये मीडिया के काम है। एंड ऑल्सो ट्रांसमिट द कल्चर, से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेट्स से एक जनरेशन या दो जनरेशन या तीन जनरेशन पहले की पिक्चर्स है, तो ये क्या है, ये मीडियम है, राइट? तो वो लोग कैसे पहनते थे, कैसे खाते थे, क्या करते थे, अगर हमारे पास उनकी छोटी सीरीज़ है, अगर उनके बुक्स है, तो दिस इज़ अ मीडियम टू नो द कल्चर, उस वक्त क्या होता था ये जानना, राइट? और उसको कंटिन्यू रखना, इसके लिए मीडियम
यूज़ होता है. नाउ मीडिया के मेजर फंक्शंस क्या है? द मेजर फंक्शंस ऑफ मीडिया आर टू इन्फॉर्म, टू एनरिच, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन. इन्फॉर्मेशन देना, एनरिच करना मतलब उसको मतलब अच्छी तरीके से समझाना, एजुकेट करना जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बोला, लाइक वी आर डूइंग एजुकेशन नाउ एंड बेसिकली इट इज़ एंटरटेनमेंट. द मेन फोल्ड सोशल मीडिया साइट्स, तो सोशल मीडिया की साइट्स ऑब्वियसली ये सब हमको पता है, फेसबुक, इंस्टा, गूगल प्लस, लिंक्डइन, ऐसे आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया की साइट्स है, राइट. नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये जो हम लोग सब पढ़ रहे हैं, मास मीडिया पढ़ रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? करेक्ट. तो ऑब्जेक्टिव्स वन बाय वन हम लोग देखेंगे. टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन मतलब एक ऑडियंस जहाँ पे बहुत लोग होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना. टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, ताकि हमको इम्पोर्टेंस पता चले कि क्यों मास मीडिया हमारे लाइफ में या फिर हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में ज़रूरी है. टू डिस्कस द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन मास मीडिया, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग मास मीडिया इज़ टू डिस्कस ऑल अबाउट द एलिमेंट्स. टू स्टडी द फीचर्स ऑफ डिफरेंट मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन. सी मास कम्युनिकेशन में बहुत सारी मीडियम्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सो ये बहुत सारी मीडियम्स है. टू नो द नीड, क्यों हमें मास कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ये बेसिकली मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स है. ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मास मीडिया एंड व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन. देखो मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स. लेट्स रीड इट. अपार्ट फ्रॉम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आई होप आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन याद होगा, जैसे वन ऑन वन कम्युनिकेशन, राइट, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट करता है. एग्जिस्ट अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व कम्युनिकेशन विथ मास ऑडियंस, मतलब बहुत सारे लोग, एंड हैंस इज़ नेम एज मास कम्युनिकेशन. जब हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हैं तो हम लोग मास कम्युनिकेट कर रहे हैं. ओके, तो कैसे करते हैं हम लोग वो कम्युनिकेट? थ्रू टेलीविजन, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू फिल्म, थ्रू रिकॉर्ड्स, टेप, कैसेट्स. ओके, तो ये क्या है? ये चैनल्स है, दीज आर द मीडियम्स, इनको चैनल्स कहते हैं. मास कम्युनिकेशन इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एकेडमिक स्टडीज ऑफ वेरियस मीन्स बाय विच इन्फॉर्मेशन इज ट्रांस मिटेड टू अ लार्ज सेगमेंट. ओके, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, और टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. बट मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया आर जनरली कंसिडर साइनमंस, मतलब इनको दोनों को हम लोग कभी हम लोग मास कम्युनिकेशन बोल देते हैं, कभी हम लोग बोल देते हैं मास मीडिया. बट नॉर्मली मास कम्युनिकेशन मीन्स, जब मैं बात कर रही हूँ मास मीडिया मीन्स कौन से तरीके, कौन से जरिए से बात कर रही हूँ, किस जरिए से मैं बात कर रही हूँ. ओके, नाउ एग्जांपल्स तो हमें पता है, जैसे पहले भी हमने डिस्कस करा कि मास मीडिया के एग्जांपल्स क्या है, टेलीविज़न, मैगजीन, सोशल मीडिया, ये मास मीडिया के एग्जांपल्स है. ओके, लेट्स सी अनदर थिंग. गुड, अभी यहाँ पे हमने जो देखना है वो है मास को, ये हमने मास, ओके, अभी मास कम्युनिकेशन क्या होता है. मास कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी defined as a process by which mass produced message are transmitted to a large, जो message हमने बनाया है या जो message बना है, okay, उसको transmit करना बहुत लोगों के पास, okay, anonymously, मतलब या तो मेरा नाम नहीं आएगा, लेट से मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन है या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है और मुझे वो किसी को देनी है, बट मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो एनोनोमस में हो जाती हूँ, ठीक है, लाइक दैट मीन्स मेरा नाम नहीं आएगा, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन लीक होगी. एंड हेट्रोजेनियसली मासेस ऑफ रिसीवर्स, तो हेट्रोजेनियस और मास, हेट्रोजेनियस क्या होता है हम लोग देखेंगे. हेट्रोजेनियस मीन्स द इंडिविजुअल नंबर, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द मास आर फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी. हेट्रोजेनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं, ऐसे नहीं कि सब लोग एक ही पार्ट के हैं या सब लोग एक ही स्टेट के हैं. कोई शायद जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई लेट्स से एक्सपर्ट हो सकता है, कोई ऑडिटर हो सकता है, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से लोग आए हैं, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं हेट्रोजेनियस मासेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से जब लोग आते हैं वो हेट्रोजेनियस होते हैं. और यहाँ पे हमने और एक टर्म देखा है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि मास जो मैसेज बना है वो ट्रांसमिट होता है. ओके, जब ये मैसेज ट्रांसमिट होता है तो जो बेचता है, सेंडर, वो एनोनोमस हो सकता है या एनोमोयस हो सकता है या फिर हेट्रोजेनियस हो सकता है. ओके, हेट्रोजेनियस हमने देखा, एनोनोमस हमने देखा कि उनका नाम नहीं आएगा, और
एनोमियस क्या होता है? एनोमियस मीन्स द इंडिविजुअल हु डू नॉट नो ईच अदर. यहाँ पे दो लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को जानते नहीं है, वो सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू मास मीडिया. ओके, सो मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स. मास मीडिया में हमने ऑलरेडी देखा कि मास मीडिया मतलब कोई मीडियम जो हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक चैनल्स जिसको हम लोग टीवी और मैगजीन्स, फिल्म्स ये कह सकते हैं. और मास कम्युनिकेशन क्या है कि जो वो मैसेज बना है, ओके, अ प्रोसेस वेयर बाय द मैसेज प्रोड्यूस्ड मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड. ओके, तो वो जब भेजा जाता है तब उसको हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं. वेरी गुड. अब मास कम्युनिकेशन मस्ट हैव लीस्ट 5 एस्पेक्ट्स. इसमें 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. व्हेन आई कैन से दैट देर इज़ अ मास कम्युनिकेशन, उसके लिए 5 चीज़ें ज़रूरी है. ऑडियंस लार्ज होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि मैं 10 लोगों के साथ बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ ये मास मीडिया है. नो, वी हैव टू हैव अ बिग नंबर ऑफ ऑडियंस. लार्जली अनडिफ्रेंशिएटेड ऑडियंस कंपोजिशन, जैसे हमने देखा हेट्रोजेनियस ऑडियंस. ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ अपने समाज से बात कर रही हूँ या फिर मैं सिर्फ एक स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, तब वो मास कम्युनिकेशन नहीं हो जाएगी. जब हेट्रोजन क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल होंगे तब हम लोग उसको मास कम्युनिकेशन कहेंगे. फेयरली अनडिफ्रेंशिएटेड ऑडियंस कंपोजिशन, डैट मीन्स यहाँ पे इक्वालिटी होगी ऑडियंस में. लो कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, जैसे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है. सॉरी ये पॉइंट, लो कॉस्ट टू कंज्यूमर्स, जैसे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है. एक इंसान जो मास कम्युनिकेशन करना चाहता है उसके एक्सपेंसेस ऑब्वियसली हाई होंगे, ठीक है. अगर मुझे कोई चीज़, कोई मैसेज भेजना है टेलीविज़न के थ्रू, दैट मीन्स मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे, कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरे को वो मैसेज भेजना है. और उसके बाद जो लोग देखते हैं उनके, वो क्या है, कंज्यूमर्स है, राइट. जो रिसीवर्स है वो यहाँ पे कंज्यूमर्स भी है, तो उनके लिए लो कॉस्ट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि अगर उनको वो मैसेज देखना है तो उनको हज़ारों रुपए खर्च करने हैं, ऐसे नहीं. उनको वो एक नॉमिनल कॉस्ट में ही दिखाया जाना चाहिए. ये बेसिकली एस्पेक्ट है मास कम्युनिकेशन का. सम फॉर्म ऑफ मैसेजेस, मैसेज रिप्रोडक्शन, सम फॉर्म ऑफ मैसेज रिप्रोडक्शन मतलब कुछ नया मैसेज. ओके, मास कम्युनिकेशन में हमेशा हमको एक नया मैसेज चाहिए, एक नया फॉर्म ऑफ मैसेज चाहिए. रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी, दैट मींस फास्ट फास्ट. ओके, इट इज़ वेरी रैपिड, जल्दी जल्दी होता है. तो जो चीज़ें बहुत लोगों को भेजी जाती है, लार्ज ऑडियंस है, उसके बाद कंज्यूमर्स के कॉस्ट लो है और रैपिड हो जाती है, उसकी डिलीवरी फास्ट हो जाती है, वो नॉर्मली हमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है as a mass communication. Now we will see the characteristics of mass communication. So mass communication is a direct message. Okay, mass communication जो message है वो direct भेजा जाता है. किसको भेजा जाता है? बहुत सारे लोगों को जो heterogeneous है, different different society, और जो anonymous भी हो सकते हैं, लेकिन that means same group के भी हो सकते हैं या different group के हो सकते हैं. Messages are transmitted publicly, not privately. यहाँ पे अगर मैं किसी को SMS भेजती हूँ या फिर अगर मैं बहुत लोगों को, लेट से 20 लोगों को, 25 लोगों को, 100 लोगों को भी अगर मैं मैसेज भेजती हूँ, ओके, तो वो प्राइवेट हो जाता है, सिर्फ 100 लोगों तक ही लिमिट, तो वो मास मीडिया नहीं होगा. बट जब ये पब्लिकली, ओके, मैं कुछ बनाती हूँ वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है, तो वो मास मीडिया होगा. शॉर्ट ड्यूरेशन मैसेज फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, यहाँ पे मैसेजेस बहुत लेंदी नहीं होते हैं, दे आर शॉर्ट मैसेजेस. इफ़ आई वॉन्ट माई मास कम्युनिकेशन टू बी फ्रूटफुल, तो मेरे को मैसेजेस शॉर्ट रखने हैं. फीडबैक कैन बी डायरेक्ट, फीडबैक इज़ इनडायरेक्ट, नॉन एग्जिस्टेंस और डिलेड. सो नॉर्मली जब हम लोग कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखते हैं, राइट, तो वहाँ पे एक सेंडर होता है, वहाँ पे रिसीवर होता है. यहाँ पे भी मास कम्युनिकेशन में भी ऐसा है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है. लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे मैसेज जाता है, यहाँ पे रिप्लाई आ जाता है, ठीक है. लेकिन इन मास कम्युनिकेशन मैसेज तो जाएगा लेकिन रिप्लाई शायद इनडायरेक्ट होगा, डैट मीन्स डायरेक्टली नहीं, कोई ऐसे एनोनोमसली या फिर उसका नाम वगैरह हमको नहीं पता चलेगा, ऐसे भी हो सकता है. नॉन एग्जिस्टेंस होगा या डिले, कभी कभी रिप्लाई आएगा भी नहीं और कभी कभी बहुत देर के बाद आएगा. ओके, कॉस्ट पर एक्सपोजर पर इंडिविजुअल इज मिनिमम, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज़ लो कॉस्ट फॉर एवरीबडी हु इज़ इन्वॉल्व इन मास कम्युनिकेशन.
सोर्स में बिलोंग टू ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, सोर्स, सोर्स मतलब कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो जर्नलिस्ट हो सकते हैं, वो एक इंसान भी हो सकता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, या एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो एक्चुअली मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. मोस्टली वन वे, जैसे मैंने आपको बोला सेंडर है, ऑब्वियसली मास कम्युनिकेशन होगी तो सेंडर है, बट रिसीवर कभी कितने हैं नहीं पता है. ओके, डैट मीन्स सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन देते जाएगा बट रिसीवर रिप्लाई करेगा नहीं करेगा वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी देखना है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जैसे मैंने बोला कि लार्ज ऑडियंस हमें होनी चाहिए. यहाँ पे टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ होते हैं. ओके, उसके बाद हमें जो देखना है दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस. यहाँ पे मैसेज सेंड करने के लिए या मैसेज सुनने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. लेट्स से एन एग्जांपल, फेसबुक. फेसबुक क्या है, मास कम्युनिकेशन का ही एक मीडियम है, राइट. कोई भी सोशल साइट मास कम्युनिकेशन का ही एक मीडियम है. तो इसका मतलब क्या है कि आज अगर मेरे को फेसबुक नहीं यूज़ करना है तो मैं इंस्टा यूज़ करूँगी, इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करना है तो टेलीग्राम यूज़ करूँगी. सो वी हैव वाइड choices for the sender as well as for the receiver. Okay, very good. जैसे मैंने ये आपको बताया, ये टेक्निकल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल मेथड भी हो सकता है, लार्ज ऑडियंस. उसके बाद यहाँ पे पावर टू इन्फ्लुएंस, यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट हैज़ अ पावर टू इन्फ्लुएंस, मतलब वो किसी पे भी अपना प्रभाव कैसे भी डाल सकते हैं थ्रू मास मीडिया. अगर मुझे से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी के ऊपर अपना प्रभाव डालना है, ओके, तो थ्रू मास मीडिया आई कैन डू इट. से फॉर एग्जांपल मैं सबको ऐसे बोलूं कि आई एम अ वेरी गुड डांसर, मैं डांस अच्छी कर सकती हूँ, कोई सुन लेगा. लेकिन अगर मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज होगा जहाँ पे मैं डांस करती हूँ, बहुत सारी ऑडियंस देखेंगी, मेरे को मिलियंस ऑफ लाइक्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊँगी, राइट. जैसे ये वर्ड तो हमने सुना है दैट ये इंस्टा इन्फ्लुएंसर है. दैट मीन्स मास मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है. ऑडियंस आर ऑफर्ड विद अ वाइड वैरायटी, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत चॉइसेस है यहाँ पे कैसे हमको कम्युनिकेट करना है. नाउ टाइप्स ऑफ मास मीडिया, कौन से टाइप्स है मास मीडिया के. ओके, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग जो बोल सकते हैं वो है कि फेस्टिवल्स के थ्रू या फिर स्कल्पचर्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू. ओके, हम लोग कम्युनिकेट करते थे पहले पहले, जैसे लोग कम्युनिकेट करते थे उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं. ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज, कल्चर, लोगों का लैंग्वेज कैसे है, कल्चर कैसे है. तो सेम पीपल दे विल कम टुगेदर एंड दे विल ट्रांसफर दैर कल्चर, दैर इंफॉर्मेशन. ओके, इसको ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं. प्रिंट मेथड, ऑलरेडी आपको पता है प्रिंट मतलब क्या, जैसे जो भी हमको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है. तो ये जो मेथड है उसमें क्या होगा, मैगजीन्स आ जाएंगी, जर्नल्स आ जाएंगे, ब्रोशर्स आ जाएंगे, उसके बाद नॉवेल्स आ जाएंगे, कॉमिक्स आ जाएंगे. ओके, तो इन प्रिंट मेथड में बहुत एंशियंट भी हो सकता है और न्यू, जैसे आज का न्यूज़पेपर वो भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एक बहुत पुराना लिखा गया नॉवेल जैसे वो भी हो सकता है. गुड, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल सकते हैं या उसको ब्रॉडकास्टिंग मीडिया बोल सकते हैं, ब्रॉडकास्ट. ओके, ये जो वर्ड है ये ओरिजिनली, द टर्म ब्रॉडकास्टिंग रिफर्स टू सोइंग ऑफ सीड. नॉर्मली ब्रॉडकास्टिंग का एक्चुअली इसका रेफरेंस क्या है कि किस जैसे कोई बीज लेके उनको बोना. ओके, इसको बोलते थे ब्रॉडकास्टिंग, ताकि वो बड़ा खेत बन जाए. तो ब्रॉडकास्ट मीडिया में क्या होता है कि एक चीज़ जो होती है, इट अलाउज ईज़ ऑफ न्यूज़ टू इवन इलिटरेट पीपल, जो लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा ये बहुत इंफॉर्मेशन दे सकता है. ओके, सो बेसिकली ब्रॉडकास्ट मीडिया हमको पता है टेलीविजन्स, रेडियोज, सैटेलाइट्स, टेलीफोन्स, फिल्म्स, मूवीज़, उसके बाद पिक्चर्स, मोशन पिक्चर्स, आजकल 3D, 7D ये पिक्चर्स आ रहे हैं, वो वाले ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये सब आ सकता आ जाएगा हमारा ब्रॉड मीडिया में. उसके बाद आएगा आउटडोर मीडिया और आउट ऑफ होम मीडिया. आउटडोर्स और आउट ऑफ होम मतलब जो घर के बाहर है. ओके,
जो मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं लोगों से बात करने के लिए, बट हमारे घर के बाहर, ओके, उसको OOH भी बोलते हैं. OOH मीन्स आउट ऑफ द हाउस मीडिया, ओके. इट इज़ फोकस्ड इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ व्हेन द पब्लिक इज़ आउटसाइड द हाउस. अगर मैं बाहर हूँ तो कैसे, से फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांड प्रमोशन होता है, हम लोग बड़े बड़े पोस्टर्स देखते हैं बिल्डिंग्स पे, ओके, स्ट्रीट्स पे, रोड साइड्स पे, तो ये क्या होता है, ये हो जाता है आउटडोर मीडिया. इसमें एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं पोस्टर्स, साइन बोर्ड्स, वॉलस्केप्स, उसके बाद मोबाइल बिलबोर्ड्स, ओके, ये सब इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं. देन ट्रांसमिट इन मीडिया, ओके, ट्रांजिट मीडिया. ट्रांजिट मीडिया क्या होता है, ऑन टू गो, इसको बोलते हैं ऑन द गो इन पब्लिक प्लेसेस और इन ट्रांजिट, ओके. ये जो मीडिया है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बस एडवर्टाइजमेंट हो गई, टैक्सी में एडवर्टाइजमेंट हो गई, रेलवे स्टेशन पे एडवर्टाइजमेंट हो गई, ओके, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिट मीडिया. डैट मीन्स ऑन द गो, जैसे हम लोग जाते हैं तो डे टू डे वो देख देख के हमारे दिमाग में आ जाता है. और नेक्स्ट है न्यू मीडिया, और उसे हम लोग कह सकते हैं डिजिटल मीडिया, ओके. न्यू मीडिया और डिजिटल मीडिया ये क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल्स बताऊँगी आप लोगों को, जो है वेबसाइट्स, ओके, गूगल और बहुत सारे याहू, ये सब वेबसाइट्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वेबकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, उसके बाद आ जाता है डिजिटल वीडियोज़, ह्यूमन कंप्यूटर, जिसको HCI बोलते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, और वर्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल रियलिटी, जो आजकल हम लोग देखते हैं ना बड़े बड़े चश्मे पहन के वो देखते हैं, और ये सब क्या हो जाता है, ये मास मीडिया के टाइप्स. अब इसके फंक्शंस क्या है, ओके, व्हाट आर द फंक्शंस. देखो हमने ऑब्जेक्टिव्स देखा, अब इसके फंक्शंस क्या है, इन शेपिंग हाउ वी व्यू द वर्ल्ड, देखना, दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है. देखो बहुत अभी लेट्स से कोविड का टाइम आया, ठीक है, तो जब कोविड का टाइम आया शायद हमको कोविड क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये कुछ पता ही नहीं चलता अगर हम लोगों को न्यूज़ में और सोशल नेटवर्किंग साइट पे उसकी अवेयरनेस ही नहीं होती, राइट. लेकिन उसकी अवेयरनेस होना ज़रूरी भी था, करेक्ट, क्योंकि अगर हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती तो हम लोग शायद बहुत सारे जितना हुआ है उससे ज़्यादा वर्स्ट देखते. इन शेपिंग हाउ वी व्यू द वर्ल्ड, तो पूरे दुनिया को किसी चीज़ की जानकारी देना, ओके, और उनको सेव करना और इस पूरी दुनिया को एक अच्छी प्लेस बनाना रहने के लिए. इंटेंसिव यूज़ ऑफ मास मीडिया मेक्स द वर्ल्ड टू अपीयर स्मॉलर एंड क्लोजर, डैट मीन्स वर्ल्ड बिकम्स अ स्मॉल ग्लोब, स्मॉल विलेज, ओके, जहाँ पे हम लोग कोई अब्रॉड रह रहा है, कोई लोकल रह रहा है, कोई इंडिया में है, कोई यहाँ पे है, कोई वहाँ पे है, इट मेक्स एवरीबडी नो दैट पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, ओके. प्रमोट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत अच्छा है. ऑब्जेक्टिव्स मास मीडिया इज़ टू इन्फॉर्म, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स देखा कि बेसिकली फंक्शन क्या है मास मीडिया का, इन्फॉर्मेशन देना, एजुकेट करना, एंटरटेन करना बहुत सारे लोगों को एक साथ, ओके. इन मेंटेनिंग डेमोक्रेसी एंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द नेशन, ऑब्वियसली नेशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जैसे हम लोग हमारा अगर संविधान ले ले तो वहाँ पे भी यही चीज़ हो जाती है कि हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि कौन जीता, कौन कौन सी पार्टीज़ है, ये सब हमको इन्फॉर्मेशन इसी चीज़ से मिलती है जो है मास मीडिया. देन मीडिया इज़ द वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी, वॉच डॉग मतलब ऐसे ऑब्वियसली ये जो नाम है वॉच डॉग, उसको मतलब वो ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ जो इस दुनिया में हो रही है या हमारे सोसाइटी में हो रही है उसकी हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा. ट्रांसमिट हेरिटेज और कल्चर, ये हमने ऑलरेडी देखा. एंड देन इट इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, अगर मेरे को इंडिया में बैठ के पूरे वर्ल्ड में फेमस होना है, ओके, तो ऑब्वियसली द ओनली मीडियम इज़ द मास मीडिया. नाउ हम लोग HCQs देखेंगे. गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से नहीं है, कमोडिटी, टेक्नोलॉजी, स्केल और ऑल ऑफ द अबव. Which are not the characteristics of communication. Okay, communication के ये characteristics नहीं है. So the correct answer is sub. Okay, क्योंकि जो commodity है, technology, ये क्या है,
आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया. तो हम लोग मास मीडिया कम्युनिकेशन, लेकिन यहाँ पे मास मीडिया कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है. तो अगर आप रिकॉल करोगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो है दैट इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. आई होप आपको याद है. इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी नॉन वर्बल, इट कैन बी थ्रू गेस्चर्स, इट कैन बी बेसिकली मोस्टली टू वे कम्युनिकेशन. ओके, एंड देन इट कैन रीच अ लार्ज वराइटी ऑफ पीपल एंड देन टू नो द सब्जेक्ट वेल. ये सब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. तो बेसिकली इसमें कमोडिटी, टेक्नोलॉजी, ये तो कुछ आते ही नहीं है, क्योंकि ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मास मीडिया कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देंगे, ओइंग टू इवेल्यूएशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, विच ऑफ द मीडियम इंट्रोड्यूस्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. इसमें से हमको अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी है तो कौन सी मीडियम इन्वॉल्व है, टेलीफोन, लेटर्स, टेलीग्राफ, कुरियर. सो कौन सा कन्वीनियंट है, ऑब्वियसली टेलीग्राफ. ओके, क्यों? ओके, ओविंग द इवेल्युएशन ऑफ टेक्नोलॉजी. इवेल्युएशन मीन्स जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, ओके, उस वक्त सबसे ज़्यादा क्या फास्ट भेजता था इन्फॉर्मेशन, वो है टेलीग्राफ. ओके, एज इट बिकेम मच फास्टर टू डिलीवर द मैसेज. सो पहले लेटर्स थे, राइट, लेकिन वो फास्ट नहीं होते थे. फिर आया टेलीग्राफ जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से फास्ट होने लगा. वेरी गुड. हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. There was a barrier to communication in Shannon Viewer's model of communication. It was, हम लोगों ने barriers of communication देखे हैं, तो Shannon Viewer का जो था वो क्या था, noise था, right? तो उन्होंने क्या कहा, before the message is received, it goes through a lot of sources of inference. मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि noise मतलब सिर्फ noise, like जो आवाज़ होता है वो नहीं. यहाँ पे noise बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, जैसे मे बी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम में यहाँ पे noise consider हो सकता है. उसके बाद लोगों को किसी को सुनना ही नहीं है, right? या फिर वो just ऐसे ही बैठना चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते, तो वो भी noise हो सकता है. डैट मीन्स योर साइकोलॉजी, वो भी noise हो सकता है. तो ओवरऑल उन्होंने क्या बताया कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज़ noise. जर्नलिज्म इज़ जर्नलिज्म क्या है, समथिंग दैट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल डिग्री ऑफ ट्रेनिंग, इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इज़ बाउंडेड टू सम ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेक्टुलेशन एंड कवरेज ऑफ इंसिडेंट्स एंड इशूज towards the broad audience. तो journalism क्या है, obviously journalism is a mass media जो broad audience, बहुत सारे audience के पास information देते हैं. okay, journalism deals with the objective to inform the target audience about all the issues. journalism क्या करता है, basically journalism is a mass media. okay, mass communication. communication क्या है, is it unrelatable, inevitable, unreversible or all of the above. so communication kya hai, it's all of the above. to communication is inevitable, hum log usko neglect nahi kar sakte hai. okay, it means it takes place everywhere, if you realize or you don't realize wo hoga hi. it is irreversible, that means humne agar kuch bol diya to fir se nahi aayega. it is unrepeatable at times when you try to repeat the action. agar say for example मैंने किसी के साथ कुछ बात की, क्या मैं वो फिर से ला सकती हूँ रिपीट, शायद मैं वर्स रिपीट कर सकती हूँ, लेकिन वो सिचुएशन, वो टाइम, वो मैं फिर से नहीं ला सकती हूँ. ओके, सो कम्युनिकेशन इज़ इनएविटेबल, इररिवर्सिबल एंड अनरिपीटेबल. वेरी गुड. एम्बिगियस, ये वर्ड हमने शायद देखा, आपको पता है मैसेज लीड्स टू क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन. एम्बिगियस मैसेज किसको लीड करता है, ओके, is it misunderstanding, miscommunication, both A or B or none. ambiguous message, okay, that means जो message clear नहीं है, obviously उससे क्या होगा, miscommunication भी होगा और misunderstanding भी होगी. good, what does Berliner means, Berliner, okay, Berliner मतलब क्या, Berliner मतलब newspaper format. Berliner is a type of newspaper format with pages size, यहाँ पे एक मेज़रमेंट दी हुई है उस पेज का, साइज़ का एक न्यूज़पेपर. दिस फॉर्मेट इज़ लिटिल मोर इन लेंथ एंड मार्जिनली वाइड, इसकी मार्जिन्स वाइड होती है और ये लेंथी मतलब लॉन्ग होता है पेपर. ओके, जो हम लोग एंड नैरो एंड शॉर्टर टू फॉर द बॉड
सॉरी ब्रॉड शीट फॉर्मैट, ओके, तो उसकी फॉर्मैट एक होती है, गुड. लाइट मैन इज अ मेम सॉरी लाइट मैन इज अ मेम्बर ऑफ लाइट मैन से, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मास मीडिया जब हम लोग पढ़ रहे थे या फिर हम लोग जर्नलिज्म पढ़ते हैं, तो लाइट मैन किस में होता है? प्रोडक्शन टीम में, डायरेक्टर टीम में, कास्ट टीम में? तो ऑब्वियसली वो होता है प्रोडक्शन टीम में. लाइट मैन बिलोंग्स टू प्रोडक्शन टीम एंड लाइट मैन मतलब जो लाइट्स वगैरह की अरेंजमेंट करता है, ओके. एंड लुक ओवर ऑल द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द लाइट्स डेट आई यूज फॉर सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी. वेरी गुड. एज पर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच कम्स फर्स्ट इन न्यूज़ पेपर फॉर्मेट, न्यूज़ पेपर हमने सबने देखा है पहले क्या आता है, दूसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है, 14 कॉलम्स आते हैं पहले, या हेडलाइन आती है, या सब हेड्स आते हैं, या फिर मास्ट हेड्स आते हैं. तो हमने ये देखना है पहले क्या आता है क्रोनोलॉजिकल में. फर्स्ट आता है मास्ट हेड. मास्ट हेड क्या होता है? मास्ट हेड इज़ अ टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर दैट इंक्लूड्स, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम हो गया, मतलब उसका टाइटल. ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग. लैंग्वेज बैरियर्स क्या होता है? ओके, स्पीड स्पीच कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेशन इज, ओके, यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा और कौन सा अलग? लैंग्वेज बैरियर्स मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, या लैंग्वेज बैरियर्स मतलब प्रॉब्लम्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? ऑब्वियसली तो आपको ये क्रोनोलॉजी अरेंज करने हैं. मैच द फॉलोइंग. सो यहाँ पे हमने करेक्ट आंसर देखना है A3 A2. ओके, ये वाला फर्स्ट क्या होगा? लैंग्वेज बैरियर्स ऑब्वियसली, ये करेक्ट. उसके बाद स्पीच. स्पीच क्या है? टू शेयर और इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन. स्पीच मतलब ऑब्वियसली इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन. कम्युनिस्ट और कम्युनिकेशन, सो कम्युनिस्ट क्या है? कम्युनिस्ट इज अ वर्ड टू शेयर एंड कम्युनिकेशन इज ओमनी प्रेजेंट. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जर्नलिज्म. तो जर्नलिज्म का ऑब्जेक्टिव इन चारों में से कौन सा है? ओके, तो क्या है? सब, ऑल ऑफ द अबव. तो ये भी है ऑब्जेक्टिव, ये भी और ये भी. दैट मीन्स जर्नलिज्म या मास मीडिया हम लोग कह सकते हैं प्रोवाइड्स ऑनेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूज़. यस, सही न्यूज़ हमने मास मीडिया को दी. लाइक इफ आई एम डूइंग अ मास कम्युनिकेशन आई वांट द इन्फॉर्मेशन टू बी 100% करेक्ट. ओके, इट हैज़ सम रूल्स, इट हैज़ सम पॉलिसीज, इट इज़ सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन. ओके, ऑब्वियसली जर्नलिज्म तो प्रोफेशन ही है. सर्विस ओरिएंटेड मीन्स लोगों को सर्विस देना, इन्फॉर्मेशन देना. करेज इज़ एन इसेंशियल क्वालिटी. ऑब्वियसली अगर कोई जर्नलिस्ट है तो उसको करेज होना ही चाहिए. तो कौन सा आंसर है? ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर. सो यहाँ पे हम लोग जर्नलिज्म मास मीडिया के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ जर्नलिज्म. जर्नलिज्म इज जस्ट लिमिटेड टू रिपोर्टिंग. इज इट लिमिटेड टू रिपोर्टिंग? Not only reporting. Journalism has to maintain ethics and standards. Yes, journalism acts as a liaison element. ये हमें देखना पड़ेगा. So ये both B and C. Okay. So journalism is just limited. ये नहीं, but ये दोनों correct है. So answer correct is both B and C. Socially and culturally less powerful people are dashed by media, mass media. जो socially और culturally less powerful people है वो people are dashed by mass media. Are they supplemented? Are they counseled? Are they de-recognized? Or are they stereotyped? So they are stereotyped. Stereotype means the people. Stereotype people matlab kaun hote hai? Are used by mass media and social, in the social environment to represent the option of the members of certain group अबाउट अदर ग्रुप. स्टैरोटाइप पीपल मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया है पहले वाले वीडियो में, स्टैरोटाइप पीपल वो होते हैं जिनको किसी के बारे में मतलब दिमाग में ही रह जाता है कि ये लोग ऐसे ही होते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी कि मेरा एक कलीग था जो साउथ इंडिया से था, उनको हिंदी नहीं आती थी. तो मैं कभी भी कोई देखूंगी जो साउथ इंडियन है तो मेरे को लगेगा उनको हिंदी नहीं आती है. तो ये है एक स्टैरियोटाइप. ओके, दैट मीन्स वो मेरे दिमाग में ही बैठा हुआ है. तो अगर सोशली और कल्चरली जो लोग कम होते हैं उनको किसी दूसरों के बारे में एक स्टैरियोटाइप हो जाता है. तो हमारा ये मास मीडिया का एंड है. आई होप आपने सबने एंजॉय किया होगा एंड इट मस्ट बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. थैंक यू, एंजॉय योर डे.